तो हेलो, स्वागत है आप सभी का संकेनलैंड के एक और नए मजेदार एपिसोड में। तो हम वापस से आ चुके हैं। सॉरी, मैंने कल इस गेम का एपिसोड अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैंने पूरा का पूरा 1.5 दिन लगाकर फाइनली अपने बेस को रेडी कर लिया हूँ। हाँ, मैंने ग्लिच का यूज किया हूँ क्योंकि विदाउट ग्लिच बेस बनाना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा था, क्योंकि मैं बार बार जा रहा हूँ सामान लाने के लिए। उसके अंदर 2 दिन निकल जा रहे, फिर रेड हो रही, वो अपना घर तोड़ रहे, फिर हम सामान ला रहे, फिर घर बना रहे, फिर घर टूट रहा है। तो मेरे को ग्लिच का यूज करना पड़ा, बट फाइनली मैंने अपने बेस को रेडी कर लिया हूँ। अब मैं तुम्हें अपना आलिशान सा किला बताऊंगा, बट उससे पहले अगर तुम नए आए हो चैनल पे, एंजॉय करोगे तो लाइक का बटन दबा देना। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो कोई बात नहीं, एपिसोड देख लो, एंजॉय करोगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बढ़िया गेम प्लेस लाता रहता हूँ। ऑलराइट, तो हम अपने आइलैंड आ चुके हैं। हमारा जो सबसे पहला बेस था वो कुछ इस जगह पर था, फिर मैंने अपने बेस को यहाँ से मूव करके कुछ इस जगह पर कर लिया था, बट अब मैंने अपने बेस को यहाँ से भी हटा दिया हूँ पूरी तरीके से, और उसे मैंने ठीक इस जगह पर स्विच कर लिया हूँ। और अब की बार ना मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेस बनाया विद सम डिफेंस वॉल, मतलब ये जो कांटे वाली दीवार है, एनिमी आएंगे ना यहीं चुप चुप कर आधे तो इधर ही ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने इस बार ना पहाड़ को चिपका कर अपना बेस रेडी किया। पहले एनिमीज़ आते थे तो हम यहाँ पर पहाड़ के ऊपर छुप जाते थे और हम यहाँ से ना उनके ऊपर अटैक करते थे, बट अब उसकी दिक्कत नहीं है। अब मैंने पहाड़ को ही चिपका लिया हो, अब हम घर के अंदर से ही पहाड़ पर आ सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे रास्ता बनाया हो। अब ना सबसे पहले नीचे साइड में चलते हैं। अब तुम्हें ना बारी बारी में सारी चीज़ें बताता हूँ। और रही बात इस वाली जगह की, यहाँ पर मैं वॉच टावर बनाने वाला था, मेरे पास में सामान ख़त्म हो गया था तो इसका काम बीच में ही रुक गया है, बट फिर भी अभी कन्फर्म नहीं है यहाँ पर मैं वॉच टावर बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा। सामान तो अभी अपने पास में ठीक ठाक सा आ गया है जिसको हम रेडी कर सकते हैं अभी, फिर भी मैंने ना थोड़ा सा काम यहाँ का रोक दिया हूँ। और रही बात इधर बीच साइड में, तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा ना मतलब तीनों साइड से ना गैप छोड़ दिया हूँ, ताकि एनिमीज आएंगे तो वो पहले यहाँ का तोड़ने लगेंगे, उसके बाद में यहाँ पर पानी में गैप है। और यहाँ पर भी मैंने कांटे लगा दिया हूँ, 2-2 प्रोटेक्शन किया हूँ। अगर यहाँ से बताऊँ ना तो यहाँ पर भी मैंने नीचे साइड में भी कांटे लगाए हुए, इधर साइड में भी कांटे लगाए, ऊपर भी, मतलब कांटों की मैंने 3 लेयर बनाए हो ताकि एनिमीज की ना प्रॉपर बैंड बच सके। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर जाएंगे इस साइड में, तो ये वाली जगह मैंने थोड़ी सी खाली छोड़ो ताकि इधर साइड में मेरी दोनों भी बोट्स आ जाए। अंदर का भी बताऊंगा, बट इधर साइड से भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये गलती से मैंने बना दिया, इसको बता देता हूँ। तो इधर साइड से भी मैंने कुछ ऐसे कर लिया हूँ। और अपने अंदर किले के अंदर जाने के लिए मैंने 3 एंट्रेंस रखा हूँ। पहली एंट्रेंस है यहाँ पर, फिर अगर इधर से जाएंगे तो 3 नहीं 4 एंट्रेंस है, 2 तो यहाँ पर मैंने गेट लगा दिया हूँ और 1 एंट्रेंस है इधर साइड में। ठीक है, अभी चलते फटाफट से। अंदर बाहर का तो मैंने तुम्हें दिखा दिया हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इधर का एरिया मैंने पूरा खाली रखा हूँ क्योंकि एनिमीज़ आएंगे तो वो पहले ही इधर की दीवारें तोड़ेंगे, उसके बाद में वो इधर का कुछ तोड़ने लगेंगे। जब अंदर अगर घुस भी जाएंगे तो यहाँ पर टूटने लायक कुछ है नहीं, और अगर तोड़ेंगे भी तो मैंने यह आग काफ़ी ज़्यादा लगा दिया हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया हूँ, जितने भी हमारे एनिमी जो भी आ रहे हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप ना आगे बढ़ते हैं। वो अगर हम उनके नज़दीक रहते हैं तो डायरेक्ट पहले हम पर अटैक करते हैं, अगर हम दूर है तो वो चीज़ें ना बारी बारी तोड़ने लगते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई हो ताकि उन्हें बेस तोड़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगे, उतनी देर में तो हम उन्हें फिनिश कर ही देंगे। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर साइड में। तो इधर है हमारा सारा का सारा खजाना। ऊपर के फ्लोर को ना मैंने पहले थोड़ा सा छोटा रखा था, सोचा मैंने ऊपर के फ्लोर पे 2 लेयर बना दूं, फिर मैंने खुद ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया क्योंकि इतनी जगह भी हमें कम पड़ रही थी, आगे ये वाली जगह भी कम पड़ने वाली है। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। ये है हमारा वाटर पंप जहाँ से हम पानी पियेंगे, ये 2 मैंने खाने के लिए बना दिया हूँ, ये मैंने स्टोव बना दिया हूँ जिसके ऊपर ना हम थोड़ी सी और बढ़िया वाली रेसिपीज़ बनाएंगे। उसके बाद में इधर मैंने 2 फूड कंटेनर रख दिया हूँ जिसके अंदर सारा का सारा खाना है, और यहाँ पर रॉ मटेरियल के लिए मैंने ये सारे बैरल्स लगा दिए। मैंने एक भी लकड़ी का बॉक्स अब की बार यूज़ नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होते, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती नहीं है, तो मैंने सारे ही बैरल्स रख दिया क्योंकि ये भी अगर तोड़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जब तक तो मैं सबकी बैंड बजा ही दूंगा। उसके बाद में ये है हमारी आर्मर वर्कशॉप, ये है गन वर्कशॉप, ये है रिसर्च टेबल और ये है एनविल। उसके बाद में मैंने ना यहाँ पर अब की बार 4-4 फौज रेडी करके रख लिया क्योंकि एक फौज के अंदर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, अब हम 4 के अंदर ना 4 चीज़ें एक साथ रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने सारा प्लांट्स के लिए, वैसे ये अभी मेरे को और बनाना है, इसको पूरा यहाँ तक लेकर चला जाऊँगा मैं ताकि ना वुड और स्ट्रॉबेरीज बुशेस ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पर एकदम फटाफट से रेडी कर सकूँ। अपने को ना मतलब रेडी टू ईट सारी चीज़ें रहे, कॉटन भी अपना यहाँ उगता रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद में इधर बैक साइड में अगर बताऊँ तो यहाँ पर भी मैंने अपना बेड रखा हूँ, और ये मेडिसिन वाला डिब्बा है। मेडिसिन वाले डिब्बे में से एक काम करता हूँ, दवा गोली ले लेता हूँ क्योंकि अभी शायद से एनिमीज आ सकते हैं। और ये अपने वेपन वाला डिब्बा, यहाँ पर सारे के सारे वेपन्स है, मैंने ग्लिच का यूज़ किया हो भाई, ग्लिच का यूज़ करके ये हम आलीशान सा महल बना पाए। अब यहाँ से ना ऊपर साइड में चलते हैं। अब यहाँ का एरिया बताता हूँ। इधर मैंने चारों तरफ से दीवारें इसलिए नहीं लगाए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा सामान लग जा रहा था और वो बनाने का फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर छुपूंगा मैं, यहाँ से एनिमीज़ को अटैक करूँगा, फिर अगर पोजीशन चेंज करना है तो यहाँ पर छुपूंगा, यहाँ से एनिमीज़ को अटैक करूँगा। तो ऐसे मैंने कुछ कुछ जगह पर लगाया जहाँ से मेरे को एनिमीज़ के आने का खतरा है। तो यहाँ से मैंने ना ऐसा इतना रेडी कर लिया हुआ। अभी ये तो राइफ़ल है हमारे पास, राइफ़ल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी 8 बुलेट्स बची है। राइफ़ल की बुलेट्स भी अपने को बनाना है अभी, और 2-3 ना एडवांस चीज़ें अपने को बनाना बाकी है। एक टेंशन है बस यहाँ पर कि अगर एनिमीज़ पहाड़ पर आएंगे ना तो वो अपनी बहुत ज़्यादा आसानी से बैंड बजा देंगे, बट अगर पहाड़ पर एनिमी आया भी तो 1 या 2 आएंगे, 2 को तो हम ईजिली निपटा सकते हैं। अभी आर्मर की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में ये 15 प्रोटेक्शन वाला आयरन हेलमेट है, और ये मैंने कॉम्बैट वाली आर्मर भी बना लिया जिसका 15 डिफेंस है। ये मिलिट्री की जैकेट, पैंट, बूट और ये नॉर्मल अपना शूज़ जो था वो ये। अभी रात हो गई है, क्या मैं सो सकता हूँ? अभी नहीं, अभी सो नहीं सकता ना, तो एक काम करता हूँ, अभी ना एक चीज़ बनाना बाकी है जो कि है ये एमओ वर्कशॉप। एमओ वर्कशॉप भी बना लेते, आर्मर वर्कशॉप तो अपने पास में है। उसके बाद में एयर फिलिंग स्टेशन नहीं बनाए हो, ये भी अपने को बनाना है। तो पहले हम ना एमओ वर्कशॉप बनाते, जिसके लिए अपने को 15 स्क्रैप मेटल और 10 रबर लगेंगे। तो ये लो भाई, 15 स्क्रैप मेटल, 10 रबर और 5 कॉपर ओर। कॉपर ओर तो यार मेरे पास में आई गेस नहीं है ना, रुक जाओ, ये 4 है। तो इनको पूरों को ना इधर रेडी कर देता हूँ, ठीक है। इधर क्या वुड नहीं है? अपने पास वुड का स्टॉक होना चाहिए। वुड मैंने ना यहाँ पर कुछ रख दिया था, चलो थोड़ा सा इधर रेडी कर लेते। 5-5 वुड सब में रख देता हूँ मैं, ठीक है। वेरी नाइस, ये बनता रहेगा। और मेरे पास, अरे भाई 10 इधर ऑलरेडी मेरे पास में पड़े, चलो ठीक है, इसी से हम कर लेते, एमओ वर्कशॉप बना लेते। एमओ वर्कशॉप को अब मैं बनाऊँगा तो कहाँ पर लगाऊँगा? उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ी है भाई एमओ वर्कशॉप, इसको मैं इधर चिपका कर लगा दूँ क्या, या फिर इधर साइड से लगा देते हैं ना, ठीक इधर चिपका के बना देते। तो ये अपनी एमओ वर्कशॉप हो गई। यहाँ पर मैं पिस्टल एमओ मेरे को ज़रूरत नहीं है, अपने पास में पड़ा हुआ है। अपने को राइफ़ल एमओ बनाना है, जिसके लिए 5 कॉपर इंगट लगेंगे, 5 के 5 हमारे पास में है। और ये स्मोकलेस पाउडर लगेगा। स्मोकलेस पाउडर बनाने के लिए कपड़ा और केमिकल लगेगा। ये तो मेरे पास में है, मैंने ना यहाँ पर कहीं तो केमिकल रखा हुआ यार मेरे पास में, देखो 10 केमिकल है। और ये भाई राइफ़ल बुलेट फाइनली अपने पास में बनने वाली है। कितने बनेंगे ये? पूरे ही बना लेता हूँ ना, इतने बना लेता हूँ। और राइफ़ल एमओ कितनी बन रहे? अरे वेरी नाइस यार, इंगट्स रेडी हो गए, चलो ठीक है, दे दो भाई सारे के सारे इंगट्स दे दो इधर। और राइफ़ल एमओ बना लेता हूँ मैं। कितनी हो गई मेरे पास में राइफ़ल एमओ? अगर चेक करेंगे अभी 45 ही है, मेरे को और नीड होगा इसका। कपड़ा कम हुआ है ना, रुक जाओ, कपड़ा तो है ना मेरे पास, भर भर के कपड़ा रखा हुआ है मेरे पास। और केमिकल होना चाहिए यार, केमिकल इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? और केमिकल बनता कैसा है मेरे को वो भी देखना पड़ेगा। केमिकल भी अपने को हमेशा बाहर नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको भी अपने को क्राफ्ट करना पड़ेगा। चलो ये पूरा रेडी हो गया। और राइफ़ल बुलेट और इंगट ख़त्म हो गए। आप भी टिक करके देता हूँ, मेरे पास में बहुत सारे पड़े हुए हैं। और ओर्स आयरन इंगट भी देख रहे हो, 30-30 आयरन इंगट है। और बहुत सारे कमेंट ये भी देखे, तुम्हें तो गेम खेलना ही नहीं आता, तुम ये गेम खेलना ही छोड़ दो। भाई मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर रहा हूँ। वो ऐसे होता है, एपिसोड की शुरुआत होती है और मैं काम के अंदर लग जाता हूँ, रेड हो जाती है, तो मेरा ध्यान ना किसी और जगह पर चला जाता है। जो काम करने के लिए आया था वो काम तो मैं भूल ही जाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं भी कर रहा हूँ सारी चीज़ें, टेंशन मत लो, ठीक है। अब अपने को और क्या चीज़ की कमी हो रही है? और अभी इधर भी देखो पिस्टल एमओ कितना सारा पड़ा हुआ है मेरे पास में ना। 20 फोन भी आ गई है ग्लिच का यूज़ करते करते ना, ये भी पता नहीं चीज़ें बढ़ती गई। अभी मैं सुबह होने के बाद ना ये दोनों चीज़ें लेकर जाकर ना ट्रेडर के पास में सेल करके वहाँ से ना काफ़ी सारा केमिकल खरीद के लेके आ जाऊँगा यार। इट्स नॉट बैड टाइम क्यों बता रहा है अभी भी। और मेरे पास में 60 एमओज है राइफ़ल एमओ। इधर मेरे पास गन में ना 40 बता रहा है, पता नहीं क्यों। ये वाली तो अपने पास में 180 है। मेरे को और बढ़िया वाली ना चीज़ें बनानी पड़ेगी। क्या यहाँ पर इंगट्स रेडी होगा? चलो ठीक है, सारे के सारे इंगट्स रेडी होगा। ये बन गई अपनी राइफ़ल एमओ। अब ये स्मोकलेस पाउडर अपने पास में ख़त्म हो गया है, रहने दो। चलो जो बचा कुचा सामान है वो जहाँ का वहाँ रख देता हूँ वापस से। बाकी तो ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें हमारे पास में रेडी हो गई है। हाँ, खाना नहीं है अभी मेरे पास में, ये देख रहे हो। फूड कैन भी मेरे पास में ना कितने सारे आ गए। इसमें से ना एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना फूड कैन में स्प्लिट कर लेता हूँ, 5 रहने दूंगा अपने पास में, है ना, बाकी के घर पर ही रहने देते हैं। पानी मेरे पास में कितना? इधर वुड ऐड करना पड़ेगा। हाँ, वुड की कमी हो रही है, दे दो भाई थोड़ा सा वुड दे दो। पूरा का पूरा वुड इधर लगा देता हूँ। ये अपना खाने का भी पानी का भी ये दोनों टेंशन अपना ना ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरे को सिर्फ अपने बेस को रेडी करने के लिए भाई। इतना मैंने बेस बनाया हूँ फिर हटाया हूँ फिर बनाया हूँ, ऐसे ना कम से कम 2 से 3 टाइम तो मैंने किया हूँ। अपने बेस को अलग अलग तरीके से बनाया हूँ। होप कल अपने पर रेड ना हो क्योंकि अभी रिसेंटली अपने पर रेड होकर गई है। अब आया सोने का ऑप्शन, चलो फाइनली सो गए भाई साहब। सुबह उठते पहले खाओ खाना, उसके बाद में पियो पानी। ठीक है, इतना ही पानी रेडी हुआ है, चल ठीक है थोड़ा सा और रेडी हो जाए, एक और खाना खा लेता हूँ भाई मैं। ठीक है, पानी अपने को लगेगा ज़्यादा, खाना पानी जितना रहेगा अपने आंग में उतनी एनर्जी रहेगी। अभी लूटना भी बहुत सारी जगह है, अपने को लूट भी काफ़ी ज़्यादा करनी है। मैं जब तक केमिकल लेके आ जाऊँ, वैसे चेक करता हूँ मैं केमिकल बनाने के लिए अपने को और लगेगा क्या। यहाँ एनुअल पर तो हम ये सारे आयरन क्या सामान बना सकते हैं। रिसर्च टेबल के ऊपर अभी अपने को लेवल 3 पर भी जाना है ना। हाँ, आज हम रिसर्च 3 भी अनलॉक कर लेते। रुक जाओ, और मेरे को कॉपर ओर्स लगने वाले हैं ना, मैं सारे के सारे कॉपर्स रेडी कर लेता हूँ। सायरन भी अपने को बनाकर लगाना है ताकि एनिमीज आए तो अपने को पता लग जाए। मैंने इस वाले फ्लोर पर ना एक भी विंडो नहीं रखा हूँ क्योंकि मैं सब ना अटैक जिसको भी करूँगा तो मैं ऊपर चढ़कर ही मारने वाला हूँ सबको। इधर ही बैठेंगे, यहीं से सबकी ऐसी की तैसी करने वाले हैं हम। नीचे से विंडो अगर रखता ना तो वो डायरेक्ट अगर गोली मारते ना तो जो हमारा सामान है उसको भी डैमेज पड़ता है और वो जल्दी टूट जाता है। तो अभी जितना मेरा दिमाग था, जितना मेरे पास में सारी चीज़ें थी, मैंने पूरा का पूरा उपयोग करके ये वाले बेस को रेडी किया हूँ। और लेवल 3 पर जाने के लिए अपने को क्या क्या लगेगा। स्क्रैप मेटल अपने पास में है 10 कंपोनेंट 3 रस्सी। ठीक है, तो ये स्क्रैप मेटल आ गया, कंपोनेंट आ गए, ये रस्सी बनाने के लिए ये कपड़ा आ गया। उसके अलावा और क्या चाहिए, 5 आयरन इंगट, 5 कॉपर इंगट। ठीक है, ये रेडी हो गए सारे के सारे। चलो ठीक है, ये रेडी हो गए। उसके अलावा और कुछ है? और भी कितना सारा और पड़ा हुआ था। अब थोड़ा सा आयरन और, अरे आयरन और तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी पड़ा हुआ है तो इसका इतना ज़्यादा सीन नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें आ गई ना अपने पास में। बस अपने को रस्सी बनानी है 1, 2 और ये 3 रस्सी। फाइनली अब हम जाने वाले हैं रिसर्च 3 पर। और यहाँ पर एक स्मॉल जनरेटर हो गया, रिसाइकलर आ गया है, फ्लोर लैम्प, सीलिंग लैम्प, टेबल लैम्प, स्क्रैप मेटल नहीं स्क्रैप पिस्टल 25 का डैमेज है, होममेड रिवॉल्वर 50 का डैमेज है, ये अब भी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये वाली गन को मैं हटा दूंगा। उसके बाद में कॉम्बैट नी पैड, इसकी भी ज़रूरत नहीं है बट चलो बना लेंगे। आयरन आर्मर 18 का डैमेज है। और क्या चीज़ है, और तो इतना है नहीं। गन पार्ट्स भी हम अब रिसर्च कर सकते हैं, उसकी भी तो टेंशन नहीं है। लेवल 4 पर जाने के लिए तो अपने को ये गेयर लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है अपने पास, इंगट है, गेयर अभी तक मिला नहीं है। गेयर का अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा। अब बारी बारी ना, पहले एक काम करता हूँ, रिवॉल्वर बना लेता हूँ ना। गन पार्ट्स लगेंगे 2 और स्क्रैप मेटल लगेगा। गन पार्ट्स मेरे पास में आई गेस यहाँ पर कहीं तो होने चाहिए गन पार्ट्स। यस, गन पार्ट्स 20 है मेरे पास। वेरी नाइस यार, अच्छा खासा सामान है भाई हमारे पास में। अभी अच्छा खासा सामान आ गया है। क्या हुआ, ये का फुल हो गया? चल ठीक है, इधर रख देता हूँ। गन पार्ट्स आ गए, बस स्क्रैप मेटल का नीड है ना। और चलो ठीक है, इसकी भी अपनी रिसर्च हो जाएगी पूरी तरीके से रेडी। ये वाली गन क्या यहाँ पर बनेगी। और ये DAG-45 जो ये गन है ना, ये डीगल टाइप, ये अपने को पुलिस स्टेशन में मिलेगी। ये मेरे को किसी ने तो बताया है। 60+ का डैमेज है भाई, खूब ज़्यादा तगड़ी बंदूक है ये। पुलिस स्टेशन भी जाना है अपने को। वेरी नाइस। चलो अब ये काम करता हूँ, पहले ना मैं अपने लिए पिस्टल बना लेता हूँ। पिस्टल कहाँ बनेगी? यस, ये है होममेड रिवॉल्वर, 4 इंगट, स्क्रैप मेटल लगेगा अपने को। ये ले भाई, स्क्रैप मेटल आ गया। अब तू मेरे को एक रिवॉल्वर बना दे। ठीक है, इसको लगेगा कौन सी वाली गन लगेगी इसको, मतलब बुलेट्स लगी। एक काम करता हूँ, यहाँ स्विच मारता हूँ रिवॉल्वर को, एक टाइम में कितने मार। हाँ, यही वाली बुलेट्स लग रही है इसको, जो हमें हमारे पास में नॉर्मली है। अरे वाह भाई, दोनों की दोनों तगड़ी बंदूकें आ गई। अब जो मेरे पास में पड़ी हुई बंदूकें हैं ना, जैसे ये प्रेशियस पिस्टल, इसका 68 का डैमेज है। वेरी नाइस, अच्छा खासा डैमेज है भाई इसका। और दूसरी वाली कौन सी है, इसका 35 का डैमेज है। अभी जो मेरे पास में, इसका 50 का डैमेज है। वेरी नाइस, इसका 48 का डैमेज है राइफ़ल का। बट राइफ़ल से ना मैं दूर से ही सबके काम कर सकता हूँ। ये वाली कुछ चीज़ें अपने पास में रेडी हो गई। अब जो बची कुछ रिसर्च है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे गन पार्ट्स बनाना। तो गन पार्ट्स बनाने के लिए अपने को स्क्रैप मेटल थोड़ा ज़्यादा रख लेता हूँ और इंगट्स वो भी रख लेता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट भी है ना, कंपोनेंट भी ख़त्म हो रहे हैं भाई अपने पास में। ये वाली गन पार्ट्स की भी रिसर्च हो गई। और ये हेडलाइट है, वेरी नाइस, अ स्ट्रॉन्ग हेड लैम्प विद फार। अरे ये सबसे काम की चीज है हेडलाइट, रात में ना एनिमी मारने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक और ग्लास लग रहा है, ये ले भाई इलेक्ट्रॉनिक, ये ले ग्लास। रात में इतनी खतरनाक भाई दिक्कत हो जाती है। बनेगा कहाँ पे वैसे, कुछ दिखता ही नहीं है, एनिमीज आते हैं ना बस अंदाजे पे मैं भागते जाता हूँ इधर अपने को सिर्फ। और थोड़ा सा स्क्रैप मेटल का, देख रहे हो कितना ज्यादा नीड है यहाँ पर। विदाउट स्क्रैप मेटल तो समझ लो कुछ कर ही नहीं सकते। हेड लैम्प को कहाँ पहनाऊं, इधर साइड में या हेड लैम्प कहाँ आएगा? हाँ चलो सर पर लग गया। लाइट ऑन कैसे होगी इसकी, ऑटोमेटिक खुद ही ऑन हो जाएगी क्या? टॉर्च तो सर के ऊपर लग गया है, बट उसे यूज कैसे करूंगा? क्या इसे बैटरी का नीड होगा? स्ट्रॉन्ग हेड लैम्प विद फार रीचिंग लाइट, परफेक्ट फॉर इल्यूमिनेटिंग द डार्क। अभी तो यूज नहीं करने का ऑप्शन आ रहा। चलो ठीक है, लगा के तो रख लेते हैं। उसके बाद में और क्या रिसर्च है भाई? स्मॉल जनरेटर रिसर्च कर सकते हैं, रिसाइकलर, फ्लोर लैम्प। भाई 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 ऑलमोस्ट हमने लेवल 3 की सारी ही रिसर्च कंप्लीट कर ली। 4 चीजें बची हुई है बस, जिसमें से टेबल लैम्प का भी नीड नहीं है। हाँ बैटरी का नीड हो सकता है, बैटरी की भी रिसर्च कर लेते हैं ना, क्योंकि बैटरी अपने को बार बार लगेगी। ये आयरन का आर्मर बना लूँ क्या, है ना? बना लेंगे, मतलब रिसर्च कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलमोस्ट मैंने सारी ही रिसर्च कंप्लीट कर लिया भाई, सारी। यही होता है जब हमारे पास में सामान एक्स्ट्रा में पड़ा होता है ना। चलो ये भी कर लिया, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप पिस्टल की रिसर्च कंप्लीट करना बाकी है, जिसको हम क्यों बाकी रखे। और सामान लेके आ गए, ये भी रिसर्च हो गई कंप्लीट। अब सिर्फ और सिर्फ लेवल 4 बचा हुआ है, बाकी हमने ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें रेडी कर ली है भाई। अब हो गए हम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, अब ऐसे सेटिस्फेक्शन वाला फील आ रहा है। मैं केमिकल लेके आ जाता हूँ यार, ये सारी की सारी ना। जो घड़ी मेरे पास में है, एक काम करता हूँ ये भी रख लेता हूँ। जितने 20 फ़ोन है ना मेरे पास में, ये सारे की सारी चीज़ें रख लेता हूँ। अब जा कर ना ज़रा हम घड़ी वगैरह वो लेकर आ जाते हैं। आज का मतलब अच्छा खासा टाइम बचा है अपने पास में। मेरी बोर्ड भी वहीं पर खड़ी हुई है अभी तक। अब आइए हमारे पास में तगड़ी वाली बंदूकें। बस मेरे को डीगल का इंतज़ार है यार। इधर कुछ सामान है? नहीं इधर कुछ भी सामान है। मेरे को डीगल का इंतज़ार है, एक बार डीगल आ जाए ना तो 60+ का डैमेज है उसका, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब नज़दीक में अगर मारूंगा ना किसी को तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम ना अपने आर्मर पर काम करेंगे। अभी मेरे पास में ना 100 वाला आर्मर है। पहले वाले एनिमीज़ जो आ रहे थे उनके हिसाब से एकदम बढ़िया आर्मर था, बट अब अपने को ना थोड़े से और अच्छे वाले आर्मर का नीड है भाई। हाँ एयर टैंक भी बनाना है मेरे को, ये भी पिन कर देता हूँ मैं अभी। एयर टैंक बनाना है, उसके अलावा और क्या चीज़ है जो हमसे छूट रही है? बैटरीज अभी नहीं बना रहा मैं। इसके अंदर देखेंगे, इसमें तो नॉर्मल वाला है खाली बस सारी चीज़। चलो ठीक है, इतना काम निपटा के आते हैं, उसके बाद में देखते हैं। बहुत सामान मिलेगा अपने को, बहुत ज़्यादा सामान मिलेगा। स्क्रैप मेटल वो नहीं लेके आऊँगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ग्लास भी चलो मिल जाएगी अपने को, सीन नहीं है। एयर फिलिंग स्टेशन बनाना है अभी, देखते हैं। अभी पहले ट्रेड करते हैं, उसके बाद में क्या क्या मिलेगा उसके बाद में देखेंगे। और कल सुबह डेफिनेटली गारंटी 100% श्योर, पक्का प्रॉमिस रेड होने वाली है। कल के दिन तुम देखना भाई, कल का दिन होगा तहलका। बट अभी हम अच्छे खासे रेडी है तो हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है। हेलो, yes I am very interested in each and everything। blueprint 50 cal ammo, आजा भाई तू। 2-3 दवा आजा, स्टेमिना वाली दवा 2 आजा, केमिकल पूरा का पूरा आजा, ये बैलिस्टिक फाइबर भी आजा। और क्या सामान छूट रहा है? बाकी बैटरीज वगैरह नहीं ले रहा मैं। अब देखते कितने फ़ोन अपने को देने पड़ेंगे। भाई अभी तक तो 20 फ़ोन पूरे लगा दिया हूँ मैंने, ठीक है। घड़ी भी अगर, हाँ चलो इतने में इतनी डील हो रही है। मतलब 6 वॉचेस देने पड़ेंगी और 20 फ़ोन देंगे तो अपने को 5 इलेक्ट्रॉनिक, 1 ब्लूप्रिंट, ये 4 एंटीबायोटिक्स, 2 ये लंग फंक्शन बूस्टर और 6 केमिकल मिल रहा है। चलो ठीक है, डील, इट्स अ डील, बाय बाय। और कुछ आएगा बढ़िया सामान तो बताना। पहले ना अभी जाकर ऑक्सीजन टैंक का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि अंडर वाटर अपने को ज़्यादा रहना है। अब अंडर वाटर हम बहुत कम रह रहे, जितना अपना नेचुरल ऑक्सीजन है, जितनी हमारी फेफड़ों में ताकत है उतना ही हम चल रहे हैं, उसके बाद में नहीं चल रहे। यूँ जा रहे पानी के अंदर, यूँ वापस आ जा रहे, इसीलिए जाकर ऑक्सीजन टैंक का काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। चलो भाई साहब हम अपने घर आ चुके हैं, बोट को कर देते हैं यहीं पर पार्क। मैंने ना सीढ़ी पहले इधर नहीं बनाया था, बट हम ऊपर ही नहीं आ पा रहे थे, इसीलिए मैंने चारों जगह से सीढ़ी बना दिया हूँ। इससे नुकसान ये है एनिमी भी ऊपर आ जाएंगे यहाँ से, बट चलता है भाई। इधर मैं डिफेंस वॉल लगाने का सोच रहा हूँ, ये जो दो जगह है ना यहाँ पर मैं बड़ी सी डिफेंस वॉल लगाने का सोच रहा हूँ। तुम लोग बताना कमेंट करके कि मैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, तो फिर मैं उस हिसाब से ना अपडेट करूँगा। सारे दरवाजे बंद है ना। ओह इधर का दरवाज़ा खुला है। शाम का वक्त हो गया भाई, शाम का वक्त हो गया है। कभी भी कोई भी कहीं से भी कभी भी आ सकता है अपने पर हमला करने के लिए। हमारे पास में ये ब्लूप्रिंट है, इसका यूज़ करके 50 कैलिबर एमओ हमने अनलॉक कर ली। ऐसी की तैसी भाई, एकदम गोली एकदम खतरनाक हो गए हम। अब ये जो मेरे पास में दवा है ना, इसमें से मैं दो मेरे पास रखूँगा और दो ये मेडिसिन बॉक्स के अंदर डाल कर रख देते, ठीक है, ताकि मर भी गए तो वापस यहीं पर आ जाएंगे। एलगी देख रहे हो भाई कितनी सारी एलगी है अपने पास में। ये कुछ दवाई है मेरे पास और बाकी तो नहीं है, बाकी तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वो सारी की सारी चीजें हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ना शायद से ये वाली राइफल एमओ 75 बस हो जाएगी और बाकी की ये अपनी जो पिस्टल है सफिशेंट है। चलो इसके अलावा और अगर जो दूसरी वाली और भी गन्स है, मतलब जैसे इधर साइड में अगर देखोगे तो ये ओल्ड बोल्ट एक्शन राइफल 70 का डैमेज है भाई इसका, मगर बनाएंगे ये वाला। अभी मेरे को ब्रोकन वाला सामान नहीं मिला है। ये वाली देख रहे 40+ डैमेज LW59 भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी गन है। मेरा तो दिमाग घूम जा रहा है वो सारी चीज़ें देखकर। अभी मैं ये सारी चीज़ें भी नहीं बना सकता ये वाले आर्मर, क्योंकि मेरे को ना ये इसमें से कुछ कुछ चीज़ें मिली है, उतनी ज़्यादा नहीं मिली, थोड़ी बहुत ही मिली है। तो ये आर्मर अपने को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनविल के अंदर अभी मैं एक्स सिर्फ बना लूँगा। अरे इधर इंगट्स वगैरह तो हाँ चलो, इधर बहुत सारे था ना, इसको निकाल लिया, उसको भी इधर रख देते चारकोल के साथ में। वेरी नाइस। जो हमारे पास में घड़ी है वो घड़ी भी इधर आ जाओ। क्लियर, सामान कर लो फटाफट से शॉर्ट। और क्या एनिमी आ गए? अरे भाई आज कहाँ से आ गए ये? अरे आज कहाँ से आ गए? चढ़ना भाई 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 भाई। खाना खा, ये खाना खा एक तो। अरे ये भाई बच गया, बच गया साला। एक खत्म, एक खत्म, एक खत्म, एक खत्म। ब्लीडिंग चलो खत्म। और तेरी ऐसी की तैसी खत्म। ये देखो ये, अरे कहाँ चले गया? काले कपड़े पहन के आ रहे, बाहर भी ज्यादा करना पड़ेगा। ये खत्म हो गया, हाँ ये खत्म हो गया। ओह शिट, गंदा 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 गंदा। इधर कौन है यार? और कौन है? ग्रेनेड यार, ग्रेनेड रोज। खत्म। दो बच्चे सिर्फ। आ गया, फंस गया क्या नीचे? नहीं, ये वाले पत्थर पे, ये पानी पे है। खत्म, ऑलरेडी खत्म। और कोई तो कहीं पर बचे। देखो ये बचा है। खत्म। अरे टॉर्च चालू हो जाए यार, बैटरी लगेगी भाई, मेरे को बैटरी डालने पड़ेगी उसके अंदर। और है कोई? मेरे को नहीं लगता और कोई है। सारी ख़त्म कर दिए फाइनली भाई। 24 बुलेट बची है मेरे पास सिर्फ, ओनली 24। इसकी ऐसी की तैसी। आज लिफ्ट आ गया, मेरे को लगा था कल रेड होगी, आज ही हमने इनका काम कर दिया। सो भी नहीं सकता मैं। चलो ठीक है, इनकी ऐसी की तैसी करते हैं। मेरे पास में बैटरी है क्या? रुक जाओ, मैं ये लाइट का जुगाड़ करता हूँ पहले। मेरे पास में यहाँ पर तो बैटरी दिखाई नहीं दे रही। क्या यहाँ पर कुछ बैटरी है? नो बैटरीज। टाइम पर बैटरी की कमी होते हुए अच्छा मैंने वहाँ से बैटरी भी लेकर आ जाता ना, रेडीमेड तो मेरे रॉ मटेरियल बच जाता यार, रेडीमेड बैटरी। चलो ठीक है छोड़ो, मैं बैटरी बना लेता हूँ अब भी। 3 इलेक्ट्रॉनिक, 15 स्क्रैप मेटल, 2 ये लगेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट है अपने पास सारी चीज़ें। अब हम रेड भी करेंगे, हम उतने मजबूत हो गए कि हम रेड करके सामने वालों की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। इतनी बैटरीज बनेगी इसके अंदर, एक ही बैटरी बनेगी। क्या मैं इसको इसमें स्विच करूँगा तो? हाँ वाह, ये देखो बाहर निकलता हूँ मैं पहले यहाँ से, ठीक है। अरे कितना ब्राइट हो गया, कितना ज्यादा ब्राइट हो गया। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये तो बहुत खजाना मिल गया मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा खजाना मिल गया। अब इनकी मैयत लूटेंगे भाई। क्या क्या सामान लाए, दे दो सारा का सारा सामान, देते जाओ। कहाँ कहाँ घुस के बैठे भाई, कहाँ कहाँ घुस के बैठे ये लोग। तुम्हारी लाशें बताओ भाई मेरे को, हर जगह से सिर्फ ना। ओहो, कपड़ा, खाना, सारा सामान, वेरी नाइस। ऐसी सामान लेके आया करो तुम लोग, ठीक है। इसका तो काम मैंने ऊपर से कर दिया था भाई, इसका काम ऊपर से ही हो गया था। वेरी नाइस। और कुछ है? नहीं, और कुछ भी नहीं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये वाली चीज़ मैंने बना लिया हो तो भाई। और कहाँ पर मैंने मारा हुआ एनिमीज को? इधर फ्रंट में क्या क्या चीज़ें डैमेज किए यार। इधर के सारे स्पाइक्स तोड़ दिए, इधर के पूरे स्पाइक्स तोड़ दिए, देख रहे हो। ये फाउंडेशन को डैमेज पहुँचाए हो गए, हाँ पहुँचाए हो गए। देखना हो गया रेडी, ये सारे स्पाइक्स को भी रेडी कर लो भाई। ये भी टूटने पर ही था मेरा स्पाइक। अपने को अपने स्पाइक्स के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। स्पाइक्स ने बहुत साथ दिया भाई अपना, बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इधर की भी, हाँ इधर की भी दीवारें टूट गई थी ना। चलो ठीक है, पहले ना मैंने एंट्रेंस यहाँ से कुछ रख दिया था ऊपर आने के लिए, बट फिर वो एंट्रेंस के अंदर ना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। कितने सारे स्पाइक्स तोड़ दिए लोगों ने, कितने सारे स्पाइक्स तोड़ दिए। बैटरी कितनी है इसकी यार? बहुत ज़्यादा नहीं, बैटरी स्पीड में अपने को बैटरी चार्जर बनाना पड़ेगा और 2-3 बैटरीज लगेगी। चलो अभी पहले सो जाता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद। बंद नहीं होगी क्या? अरे बंद हो जा भाई, लाइट कैसे बंद होती है? ठीक है रहने दो, ऐसे ही सो जाते हैं, सुबह उठने के बाद में देखेंगे। क्या मेरे को इसको पूरा निकालना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा? नहीं, अब तो नेचुरली ही बैटरी वो हो गई इसकी डेड ऑलमोस्ट। ये एनर्जी पी लो भाई और खाना खा लो, पूरी ताकत आ जाएगी। वेरी नाइस। अब अपने को स्मॉल एयर टैंक बनाना है सबसे पहले, जिससे हम पानी के अंदर रह सकेंगे। ये स्मॉल एयर टैंक आ गया अपने पास में, ठीक है। इसको लगा देते हैं इधर। उसके बाद में एयर फिलिंग स्टेशन बनाना है अपने को, और इसको बनाकर अच्छा खासा बड़ा है भाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एयर फिलिंग स्टेशन लगा देता हूँ मैं कुछ इधर साइड में, ठीक है। ये एयर फिलिंग स्टेशन आ गया, क्योंकि इसके आगे और कोई चीज़ आएगी नहीं। प्लेस एयर टैंक, मेरे को 2 एयर टैंक बनाने पड़ेंगे, है कि नहीं? दोनों एयर टैंक रेडी रखेंगे, एक ख़त्म भी हो गया तो दूसरा अपने पास में रहेगा, तो सीन नहीं रहेगा फिर। और ये है बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर को मेरे को लग रहा है जनरेटर बनाना पड़ेगा अपने को, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला, तब जाकर उसका काम होगा। इसको मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी बैटरी पूरी डेड हो गई है। प्लस द बैटरी, नो बैटरी इन इन्वेंट्री, शायद हो पाएगा नहीं। ये मेड तो बनता रहेगा कम से कम, अपने पानी के अंदर राउंड मार के आने तक। बाहर से एक बार ना सारी दीवार को देखते हुए चलेंगे हम, कौन सी दीवार को कितना डैमेज है। हाँ ये वाली दीवार का डैमेज है, चलो ठीक है। दीवारें मजबूत होनी चाहिए तभी हम टिके रहेंगे यहाँ पर, अगर दीवारें ही मजबूत नहीं है ना तो भाई हो गया फिर अपना काम। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, नहीं इधर की थोड़ी सी गई है, चलो ये भी पक्की हो गई। इसको अच्छा खासा डैमेज पड़ा है, मेरे को लगा ही था पहाड़ से वो आएंगे अपने को नुकसान पहुँचाएंगे। पहाड़ के ऊपर भी ना मेरे को कुछ ऐसा सेटअप करना पड़ेगा कि पहाड़ के ऊपर सिर्फ हम जा सकते हैं, वो नहीं आ सकते। थोड़ी सी ना हाइट वगैरह ऐसा कुछ बढ़ानी पड़ेगी। वैसे मेरे को लगा नहीं था स्क्रैप मेटल का घर इतना ज़्यादा मजबूत होगा। वैसे अभी आयरन का घर बनाना बाकी, आयरन का एक बार घर बना लेंगे ना भाई, फिर तो टेंशन ही नहीं, वो तो जल्दी टूटेगा भी नहीं। स्क्रैप मेटल का इतना ज़्यादा मजबूत है। चल अब चलते हम पानी के अंदर। ओके वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा मतलब डीप डाइविंग कर सकते हैं हम। तो अब मैं बोट लेकर जा रहा हूँ सीधा पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस स्टेशन ही है जो हमें वो वाला ब्लूप्रिंट दे सकता है। चलो ठीक है, बोट लेकर सीधा पुलिस स्टेशन। खाना, पानी, एनर्जी, हर एक चीज़ अपने पास में रेडी है। जाकर ना पेट भर के आता हूँ आज मैं वहाँ से, पूरी की पूरी लूटम लाट करके आएंगे आज हम। जनरेटर बनाना है, बैटरी चार्जर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें अभी और एक्स्ट्रा में आने वाली है। एक बार रुक जाओ, और मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ कि मेरे को बस चेक करने दो। ये आयरन का आर्मर भी बनाना है, ईजी बन जाएगा। जब सामान होता है ना तो किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं होता भाई, सारी चीज़ें एकदम फटाफट से हो जाती है। गन पार्ट्स भी अब हम क्राफ्ट कर सकते हैं, उसका भी टेंशन नहीं। रिसाइकलर बनाना है एक अपने को, जो जो सामान रह गया है ना, जैसे ये सॉ मिल हो गया, रिसाइकलर हो गया, उसके बाद में और क्या है, और सिर्फ बैटरी चार्जर तो बना के लगा दिया। हाँ, ये मोटर बोट भी बनानी है अपने को, मोटर बोट भी बना लेते हैं। मोटर बोट का वैसे कुछ लग रहा है नहीं यूनिक सा सामान। तीनों भी बोट को ना 3000 का प्रोडक्शन है। रबर, स्क्रैप मेटल, यार कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ, गैसोलीन लगेगा इसको चलने के लिए, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम पहुंच जाएंगे। फिर मैं कहाँ आ गया घूमते घूमते? अरे एनिमी आइलैंड के पास में आ गए थे। पुलिस स्टेशन कहाँ? अरे पुलिस स्टेशन यहाँ है। पगलट कहाँ घूम रहा है तू? है, मन तो कर रहा है रेड कर दूँ अभी मैं, बट मेरे को पहले डीगल लाने दो, उसके बाद में फिर हम एनिमीज की ऐसी की तैसी करने वाले हैं। जाकर सबसे पहले मेरे को ना राइफल की एमओ बनानी पड़ेगी, ख़त्म हो गई है यार। उसके लिए केमिकल नहीं लग रहा था, कोई ऐसा बेसिक सा सामान लगता ना, भर भर के राइफल एमओ कर लेता। दूर से ही तीन बुलेट्स लग रही थी, 3 बुलेट के अंदर तो वो लोग ख़त्म हो जा रहे थे। बट वो जो ओल्ड पम्प एक्शन गन या ऐसा कुछ तो नाम है ना, वो अपने को चाहिए, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ये एनिमी का बेस देख रहे हो, सामने ही खड़े हुए हैं ये लोग, बट यार रेड कर सकता, ज़्यादा बड़ा इनका वो नहीं है। पहले मेरे को डीगल लाने दो, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले डीगल लाना है, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें। वैसे मैं इनका आइलैंड ना फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कभी इनके ऊपर मेरी मतलब नज़र नहीं पड़ी। चलो भाई, आ गए हैं हम ठीक पुलिस स्टेशन के ऊपर। मेरे पास में स्पीयर नहीं है ना, मैं स्पीयर कैसे क्या भूल गया लाना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स लेते हैं और चलते हैं, क्योंकि पानी के अंदर यहाँ पर शार्क, कितनी शार्क है? एक ही शार्क है, ठीक है। ऑक्सीजन टैंक देख रहे हो? ऑक्सीजन टैंक, अच्छा मैं ऑक्सीजन टैंक को अपने रियल ऑक्सीजन जैसे सा। ए, इसकी स्पीड को क्या हुआ? अरे हैं, इसकी स्पीड को क्या हुआ? 1 2 और, अरे भाई दे दे सामान, दे दे। इसकी स्पीड को क्या हुआ? बट इतना गोली इसके अंदर सामान, चलो ठीक है, अच्छा खासा सामान मिल गया। इधर से नीचे चलते हैं। लाइट का जुगाड़ भाई, लाइट का जुगाड़, इधर कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, ये मिला है ना काम का सामान, इधर मिलेगा अपने को। ओके, ये ब्लूप्रिंट मिल गया। अरे जेट्स की का ब्लूप्रिंट मिल गया ना मेरी जान। ये मिल गया ब्रोकन पम्प, शॉटगन, ये स्टाइल, रबर। यार पेट भर गया मेरा, रुक जाओ, मतलब सामान रख के आना पड़ेगा अपने को। आज शार्क की स्पीड को ज्यादा नहीं लग रही है, इतनी तो स्पीड है नहीं जितनी स्पीड में वो आकर इतना मतलब ऐसे गोली जैसे चल रही थी। आज ब्लूप्रिंट को यूज ही कर लेते ना, अभी के अभी रख कर जगह क्यों वो करूँ। कपड़े मिले हैं कुछ, वेरी नाइस। पानी पी के ना इसका भी खत्म कर देता हूँ। पिस्टल एमो नहीं लग रहा। हाँ, ये एयर टैंक लगेगा। खाना खा लेता हूँ। और भाई मेरी हेल्थ देख रहे हो तुम, है कितनी ज़्यादा मेरी हेल्थ की बैंड बजा दिया उसने। चलो ठीक है, ये भी मैंने खा लिया, बस ये और रख लेता हूँ। और क्या चीज़ का नीड है? और कोई भी चीज़ का नीड नहीं है। लेट्स गो। इस वाले रूम से हम ऐसे गए थे, इधर नीचे गए थे, फिर यहाँ से ना एक रूम था, फिर हाँ इसके अंदर सारा सामान था, ठीक है। ये अरे यार पुलार लूटना नहीं था अपने को, बट चलो देखेंगे जब का जब। अभी तो क्या है, खा पी के जम करो। ओ वॉल्ट है, बड़ा सा वॉल्ट है भाई। मैं लूट ले रहा हूँ पूरा। ब्रोकन स्टन, SMG, मिलिट्री बैकपैक। ये स्कर्ट रख देता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं वापस आऊँगा ना मेरे को चीज़ें मिले। और क्या है? ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन पे चल रहा हूँ। मेरा एयर टैंक ऑक्सीजन ख़त्म हो गया ना। मैंने एक और अच्छा हुआ था टैंक लेके आया, 2 से 3 टैंक। अपन जब ज़्यादा पानी की गहराई में जाएंगे ना, 2 2 3 3 टैंक यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला टैंक लगा देता हूँ, वेरी नाइस। चलो और भीतर चलो भाई, भीतर चलो, एकदम जमीन के भीतर जाएंगे, लूटमलाट मचा के आएंगे। ओहो वेरी नाइस यार, वेरी नाइस यार। इसके अंदर कुछ है? हाँ चलो, एंटीबायोटिक्स मिल गई। एनीथिंग एल्स? और मुझसे कुछ छूट रहा है? इधर से हम ऐसे चले गए थे ना, अब थोड़ा इधर जाके देखते हैं। इधर साइड का भी रूम, चलो ये वाला आई गेस मैंने पूरा क्लियर कर लिया हूँ, या फिर नहीं। पतलून मिली है, चलो ठीक है ले लेता हूँ पतलून। इसके अंदर अंगूठी मिली है, टीवी का ब्लूप्रिंट है, बाकी ये जैकेट्स है, रहने दो कपड़े बाद में वापस आएंगे। और इसको छोड़ दो। अब चलते ये वाली बिल्डिंग में। मैंने इधर की तो पूरी लूट मचाया हूँ, इधर का मेरे को सीन नहीं है। तक कपड़े मिल रहे हैं, वेरी नाइस। इधर से ऊपर गया था, पता नहीं। ये वाला रूम में लूटम लाट मचाई थी, यहाँ मचाई थी। अरे बाहर निकलने को दे बे, अरे हिलियो जाने दे, अरे जाने नहीं दे रहा है तो दूसरी जगह से जाना पड़ेगा अपने को। इधर का हो गया क्लियर। अब ये बाजू की जो छोटी सी बिल्डिंग है, शायद से यार वो डीगल का ब्लूप्रिंट अभी तक मिला नहीं, और मेरे को फील आ रहा है कि वो मुझसे छूट रहा है यार, वो मुझसे छूट रहा है कहीं ना कहीं, वो मुझसे छूट रहा है। वुड मिलेगा इधर तो, और तो है नहीं यार इधर कुछ ऐसे आसपास। और देखने दो, इधर कुछ है, बाहर कुछ कंटेनर में भूल रहा हूँ। हाँ ये डिब्बा भूल रहा हूँ मैं। क्या ये स्क्रैप मेटल है यार भाई? ऑलमोस्ट चलो ये ब्लूप्रिंट यूज कर लिया, ये वाली भी ब्लूप्रिंट यूज कर ले तो जगह हो गई। इसके अंदर स्क्रैप मेटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो मिल रहा है बस, और तो कुछ नहीं है इधर। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते। इधर सल्फर पड़ा हुआ है जिसका अभी फिलहाल में रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। मेरे को शार्क की वो दिखी, नहीं नहीं शार्क नहीं थी वो, अपनी यही थी। डीगल का मेरे को मिला नहीं यार अभी तक, क्या पता। चलो रुक जा, आएंगे वापस। अभी तो अच्छी खासी लूट मिल गई अपने को, चलते हैं हम अपने घर। स्टन गन का अपने को मतलब वो ब्रोकन पार्ट मिल गया, जिससे मैं अब बंदूक क्राफ्ट कर सकता हूँ भाई। बहुत बढ़िया काम हुआ, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया काम हुआ है। जब हम बाहर लाइटें लगाएंगे ना, जो जनरेटर से यूज़ होगी, वो पूरे आइलैंड को ना मैं उजाला उजाला कर दूंगा भाई, ताकि ना टेंशन ही ख़त्म हो जाए। वो जनरेटर से ना फुल पावर मिलती रहे और ना पूरा एरिया जगमगा जाए। दिखते नहीं है तो मैं मार नहीं पाता हूँ, एक बार जब दिखने लग जाएंगे ना तो फिर टेंशन ही नहीं रहेगा। मैं वैसे अपने घर के अंदर ही लाइटें पहले लगाऊँ या आइलैंड पर लाइट लगाऊँ? जहाँ डिफेंस टूट गया है उसे वापस रिपेयर करना है, मतलब जो थोड़ा बहुत टूटा है उसे रिपेयर करना है। बाकी का जो दूसरा माल है उससे अपने को नया बनाकर लगाना पड़ेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, अपने को घर में आने जाने के लिए ना थोड़ा सा ऐसा लंबा चलकर जाना पड़ेगा, बाकी सारा सीन शॉर्ट है भाई। ब्लूप्रिंट मिलिट्री बैकपैक की भाई, इसके अंदर ज़्यादा सामान आएगा, बहुत खुशी हो रही है ब्लूप्रिंट देखकर। कपड़े जूते सारे अपने यहाँ पर रहेंगे, जो बिकाऊ लायक सामान है वो सारा यहीं रहेगा। कहा गया एयर टैंक अपना भाई पूरा का पूरा ना एयर टैंक फुल कर दे, ठीक है? मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा इससे हवा भर रहे हम उसके अंदर है हम लोग ऐसे फिल कर रहे हैं भाई एयर उसके अंदर। देखो दो टैंक तो मैं हमेशा अपने पास में रखूँगा, ज़्यादा सा रहेगा। कितनी हवा भरी भाई? 62% भरी है, पूरी की पूरी भर ले। ये बड़ा अच्छा लगा अभी सॉमिल रिसाइकलर और बोट बनानी बाकी है। अच्छा ये हो गया ना फुल, यस। अब जो दूसरा वाला टैंक है वो लगा देता हूँ इधर, ठीक है? इधर अपने को बस ऊपर देखते रहना है, ये फुल होता रहेगा इधर से। ऑल सेट, दोनों के दोनों एयर टैंक्स आ चुके हैं अपने पास में। ना पिस्टल एमो इतना सारा आ गया है, बस वो गन ही नहीं बनाया अभी तक हमने। वो गन भी अपने को फटाक से ना बनाकर रेडी करना है। पर्सनल सामान वाले भी सारे कंटेनर ना अपने खराब हो गए ऑलमोस्ट। चलो सारा सामान शॉर्ट। अब फटाफट से ना चीज़ें बनाना स्टार्ट करते ही अपने को लगेगा पहले इलेक्ट्रॉनिक। और ये सामान ना यार आई गेस इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। चलो फिलहाल में सॉमिल बनाने के लिए तो अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक है, बट सॉमिल के ऊपर बन रहा है प्रोसेस रेगुलर वुडन प्लैंक्स इनटू रिफाइंड वुडन प्लैंक्स। बस प्लैंक का काम होगा। रुक जा भाई, पहले फिर रिसाइकलर बनाने थे मेरे को। रिसाइकलर को लगाऊ कहा? रिसाइकलर को इधर चिपका देता हूँ, ठीक है? अपना ये स्टोव है, ठीक इधर साइड में। इसके अंदर क्या क्या रिसाइकल कर सकते हैं हम? अगर मैं इधर साइड में पास स्क्रैप मेटल रखूँगा, रिसाइकल करूँ। स्क्रैप मेटल कैन नॉट बी रिसाइकल, क्या लिख क्या रहा था? कैन नॉट बी डिकम्पोज। ओके, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर ना, मैं एक कंपोनेंट रखता हूँ, ठीक है? सिर्फ अभी एक ही कंपोनेंट रखता हूँ, देखते हैं उसके बदले अपने को क्या मिलेगा। इंस्टॉल वायर, अच्छा ये इसके ऊपर चलेगा, जनरेटर के ऊपर चलेगा ये। अपने जनरेटर को इलेक्ट्रॉनिक लगेगा, उतना सारा इलेक्ट्रॉनिक नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अरे नहीं है इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है? फिर जनरेटर बना लेते हैं, इंगट भी तो है हमारे पास। जनरेटर को कुछ यहाँ से प्लेस कर देता हूँ भाई। धीरे धीरे ना जगह कम पड़ रही है। आउट ऑफ फ्यूल, इधर फ्यूल डालना पड़ेगा अपने को। फ्यूल तो इतने ज़माने से अपने को मिलते जा रहा है, अब फर्स्ट टाइम ना काम में आया वो। ये लगा दिया मैंने जनरेटर, इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है? चल रहा है, बट इंस्टॉल कैसे करेंगे वायर? शायद से क्या कनेक्ट हो गया? अच्छा कनेक्ट हो गया है। अब जो भी है यहाँ से वायर, अरे रबर से कनेक्ट हो रही है सारी चीज़ें हैं, ये रबर से कनेक्ट हो रही है। टर्न ऑन करूँगा तो ये कैब चलेगा। हाँ अब अपना ये रिसाइकलर चल रहा है। वेरी नाइस। जनरेटर के कई और सेटिंग करनी पड़ेगी उसके बाद में ना, पूरे घर में फिर वायर करना पड़ेगा। क्या बन रहा है भाई, जल्दी से फटाफट से पंजा सामान। एक कंपोनेंट मैंने इसके अंदर रखा था यार, सोने का ऑप्शन आ गया होगा ना, तो फिर सो जाओ ना चुपचाप भाई। देखो लेट सोया तो लेट उठो। मैं रात भर से काम चल रहा है बट अभी तक ना रेडी नहीं हुआ अपना कम हो गया क्या। अच्छा एक कंपोनेंट डाला मैंने तो मेरे को इतनी सारी चीज़ें मिली। भाई फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तू बंद हो जा, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम चालू करेंगे। वेरी नाइस। अब सिर्फ अपने को ना ढांसू चीज़ें बना के लगानी पड़ेगी यहाँ पर, मतलब अच्छे खासे वायर बनाने पड़ेंगे और फिर उसे जनरेटर से कनेक्ट करके पूरे घर में बिजली ही बिजली करनी पड़ेगी। मिलिट्री बैकपैक के लिए 10 कपड़े, 6 लेदर, 6 रबर, ये 20 कपड़े, 20 लेदर और 10 रबर। ठीक है अब तो बैकपैक बन जाएगा ना। वेरी नाइस। अब अगर स्लॉट्स देखेंगे, एक और स्लॉट फुल हो गया है, एक और स्लॉट हमारा बैग का फुल हो गया है। वेरी 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 नाइस। और ज़्यादा सामान कैरी और स्टोर कर पाएंगे। अब ये स्टन गन बनाने के लिए ना अपने को पिस्टल एमो लगेगा। ठीक है कुछ गन पार्ट्स तो है मेरे पास। आई गेस इंगट्स नहीं है, बस इंगट एक पड़ा हुआ है, उसके अंदर तो काम नहीं होगा और अपने को इंगट की आवश्यकता होगी। आप भी टिक करके देता हूँ, देखो तुम, आप भी टिक करके देता हूँ। अब भी जा रहा हूँ मैं, जा करना वो लेके आता हूँ, थोड़ा सा आयरन इंगट लेकर आता हूँ। अब भी स्टन गन बनाएंगे क्योंकि स्टन गन चलेगी पिस्टल एमो से और पिस्टल एमो मेरे पास में बहुत सारा पड़ा हुआ है ऑलरेडी घर पर। ये सामने का जो बड़ा आइलैंड हमने लूटा था ना, यहीं पर अपने को काफ़ी सारे मेटल आयरन ओर मिल जाएंगे, वैसे अपना काम हो जाएगा अच्छा खासा। वो स्टन गन का सिर्फ और सिर्फ 32 का डैमेज है बट वो मेरे को ऑटोमेटिक गन लग रही है। सोचो हम एक लाइन के अंदर 5-6 फायर करेंगे तो 32 कितना ज़्यादा डैमेज लगेगा। अपनी वो नॉर्मल गन से तो ज़्यादा ही स्पीड से मरेंगे बंदे। चल वेरी नाइस। पानी के अंदर इधर आसपास में तो सिर्फ कछुए के साथ में। और भाई ये खजाना कैसा का छोड़ के गया मैं यहाँ से, हैं ये खजाने हम अजीब नहीं लगेंगे ये कपड़े के अंदर। रहने दो बाद में लूटेंगे ठीक है, बट लूटेंगे जरूर। इज दिस आयरन और कॉपर? आई गेस दिस इज आयरन और। वेरी नाइस। ऑलमोस्ट सारे ओर्स तो मैंने ले लिए। वो और तो यहाँ आसपास में मेरे को और दिखाई नहीं दे रहे, तकरीबन सारे ही और हमने यहाँ से उठा लिए। चलो हो गया ये वाला काम कंप्लीट। हाँ इधर दिख गया एक और पत्थर, यहाँ से भी ले लिया। तो अच्छे खासे एक टाइम में आए हैं, जब ज़्यादा ही और लेकर जाते हैं ना। अभी कितने और हो गए अपने पास में? 5 20 और हो गए अपने पास, शायद से 25 हो जाएंगे अब। 25 और सफिशेंट है बहुत दिन तक के लिए। अरे पत्थर के अंदर पत्थर उग गया था देखो। नाइस। चलो भाई अब कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, चलते फटाफट से अपने घर। बस थोड़े से दिन ना हम जो अपना स्क्रैप मेटल का बेस है ना इसी को चलाएंगे और धीरे धीरे करके ना पहले ये नीचे की जो बॉर्डर है ये हम आयरन की बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर का स्टार्ट करेंगे। ये जो फाउंडेशन है ये मैं नॉर्मल स्क्रैप मेटल वाला ही रहने दूंगा। जो मेन चीज़ें जैसे दीवारें वो पहले तोड़ते हैं एनिमीज, तो हम वो काम पहले करेंगे। दीवारें एक बार मजबूत हो गई ना भाई तो मस्त काम हो जाएगा। चलो ये इंगट्स बनना स्टार्ट हो गए, बाकी का पूरा माल ना इधर ही रख देता हूँ मैं, हो जाएगा अपना काम। 4 यहाँ से एक और बनाकर रख लूँगा तो एक टाइम में ना हम एक स्टैक आयरन का या कॉपर का ना रेडी कर सकेंगे। मेरे दिमाग में नहीं आया था वरना मैं पहले ही रेडी कर लेता। इधर वुड भी ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा वुड भी ले लेता हूँ भाई। थैंक यू सो मच ग्लिच, तूने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचाया भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम बचाया है। चलो सारे इंगट्स रेडी। डक टेप्स चाहिए कुछ, डक टेप तो बहुत है, और 6 इंगट चाहिए अपने को। बाकी के और डाल कर रख देता हूँ, जब बनेंगे। चारकोल भी यहीं ट्रांसफर कर देता हूँ। चारकोल कहाँ गया? चारकोल अभी देख रहे हो मेरे पास, चारकोल का भी फुल भर के स्टॉक हो गया है। क्या हुआ, रेडी हो गए? चलो भाई रेडी हो गए ये सारे के सारे। अब बनाते, कहाँ गई गन वाली दुकान? कर लिया मैंने इसको क्राफ्ट। फाइनली हमारे पास में एक और गन आ गई है। ओके वेरी नाइस। 17 बुलेट्स है इसमें। मैं पिस्टल एमो और रख लेता हूँ। वेयर इज पिस्टल एमो? ये रही पिस्टल एमो और 36 हो गई भाई सीधा। बंदूक की गोलियाँ कितने बैटरी है इसके अंदर देख रहे हो, एक टाइम में 36। और कहाँ गई यार पिस्टल एमो? चलो ठीक है अब और रिलोड करूँगा एक टाइम में 40 भाई, एक टाइम में कितनी बंदूकें, मतलब कितनी गोलियां? 40। ये इधर और स्टॉक है मेरे पास। अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ के ना टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। आयरन साइट है ना मेरे पास रखी हुई, वो इसके ऊपर बैठेगी नहीं बैठेगी पता नहीं। ये रही आयरन साइट, इसके ऊपर लगा कर चेक कर दो। नहीं बैठी तो नहीं है इस पे। डायरेक्ट ऐसे गन पर लगेगी? नहीं, गन पर भी नहीं लग रही। मन तो कर रहा है ना मेरा अभी ही रेड कर लूँ मैं, बट सबर का फल मीठा होता है। 1 2 3 बाय 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 बाय। ओके 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 ओके। वेयर इज एमो शॉप? एमो शॉप कहाँ गई भाई? ये रही एमो शॉप। ये बुलेट्स बनेगी पिस्टल की, एक कॉपर से और एक स्मोकलेस पाउडर से। ये स्मोकलेस पाउडर बनता है केमिकल और कपड़े से। ये अपने को ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ेगा, कपड़े का तो सीन नहीं, केमिकल का ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ेगा। केमिकल भी क्राफ्ट होता है या नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर वो भी क्राफ्ट हो जाएगा ना तो बहुत मस्त काम हो जाएगा। बट केमिकल क्राफ्टिंग यहाँ तो नहीं दिख रही, कोई बेंच के ऊपर चेक करनी पड़ेगी। अभी तक तो कोई केमिकल क्राफ्टिंग का सबूत नज़र नहीं आया है। करना पड़ेगा, उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। बट हम एक काम करते हैं, हम आज के एपिसोड को बस इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो यार प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेस चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना अपडेट्स के लिए। भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक ज़रूर करना। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी।